नमस्कार। नारी तू नारायणी, इस दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है खबर भारत की इस खास प्रस्तुति में, और मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस अंक की दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे प्रदेश में मौजूद ऐसी महिलाओं से जो हिम्मत, संघर्ष और जज्बे की मिसाल मानी जाती हैं। जाने माने कवि आलोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि दिल से निकली हूँ रोशन दुआ की तरह, खुल के बहने दो मुझको हवा की तरह, पंख फैलाऊंगी मैं ये विश्वास है, मेरी धरती है ये मेरा आकाश है, इस पे छाने दो मुझको घटा की तरह, खुल के बहने दो मुझको हवा की तरह, बंदिशों से मुझे सख्त इनकार है, ये मेरा देश है मेरा संसार है, क्यों ना इठलाऊं चंचल हवा की तरह, खुल के बहने दो मुझको हवा की तरह। नारी तू नारायणी, इसमें पहले अंक में हम चर्चा करेंगे अन्नपूर्णा सिंह, अध्यक्ष हैं चल सहेली समूह की, कोरिया से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण और उनके रोजगार के लिए सालों से मेहनत कर रही हैं। जैसा नाम वैसा काम, इस बात को चरितार्थ कर रही हैं अन्नपूर्णा सिंह। अन्नपूर्णा जो चल सहेली समूह के अध्यक्ष हैं, इनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि सैकड़ों महिलाएं घर गृहस्थी के काम के अलावा खेल और अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं को उनके घर की दहलीज से बाहर निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम आज अन्नपूर्णा सिंह जैसी महिलाएं कर रही हैं। समाज में महिलाओं को सजग और आत्मनिर्भर बनाने के संघर्ष में लगी हुई हैं। खबर भारत के लिए संवाददाता श्रवण महंत ने की इनसे खास बातचीत। अन्नपूर्णा मैडम से बोली कि क्रिकेट का रखिए, मेरे को खेलने का बहुत शौक है। तो मैम बोली कि चलो ठीक है, क्रिकेट भी करा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग खेल खेल रहे हैं। अभी पहला मैच जीते थे हम लोग यहीं अपने कोसाबाड़ी में, अब सेकंड मैच वहाँ मोदी पार्क ग्राउंड में है, तो वहाँ भी हम लोग खेल खेल रहे हैं। हम लोग तो घर में काम करते थे, चूल्हा चौका, खाना पीना बनाना, लेकिन अब नया काम मिल गया है ये धागा बनाने का। तो सब महिलाएं, गांव के महिलाएं जितने हैं सब यहाँ काम करते हैं, रोजगार मिला है और ये काम अन्नपूर्णा के तरफ से हुआ है, शुरुआत करवाई है। बहुत प्रॉफिट हो जाता है, साल भर में मनरेगा कार्य में 20,000 के आसपास का काम करते हैं, और धागा कलर भी अपने हिसाब से जितना निकालते हैं उस हिसाब से मुनाफा उसमें होता है। कृमि पालन में भी जिस हिसाब से टसर निकलता है उसी हिसाब से कमाई होता है। ये सब अन्नपूर्णा दीदी की वजह से हुआ है। वो हमारी रेशम केंद्र की अध्यक्ष हैं और प्रेमाबाग की पार्षद हैं। नहीं, पहले नहीं सोचे थे कि हम लोग क्रिकेट खेल पाएंगे। अन्नपूर्णा दीदी आके हम लोग को बताई, हौसला दी, तभी हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं सोचती थी कि कुछ करूँ, तो शादी से पहले महिलाएं अपने घर में पहले खेली हैं या मतलब अपने आकांक्षाओं से जुड़ी कुछ सपने देखे थे, तो मैं सोची क्यों ना शादी के बाद भी ये किया जाए। तो महिलाओं को घर घर जा के बात किया तो इन लोगों ने कहा कि ज़रूर, तो मैं इन लोग के साथ हूँ और रोजगार भी दे रही हूँ। कोसा उत्पादन के बाद उनमें धागा बनाते हैं, धागा बना करके बाहर बेचते हैं, 1800 से लेके 2200 रुपये किलो धागा हम लोग बेचते हैं, तो उसमें काफ़ी मुनाफा हो जाता है। और साथ साथ हम लोग सब्जियाँ भी लगाते हैं, तो सब्जी में भी अभी 4.5 क्विंटल आलू लगाए थे, टमाटर, प्याज, ये सब भी चीज़ लगाते हैं, तो रोजगार के साथ साथ मुनाफा भी होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, तो चलिए हम इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है अन्नपूर्णा सिंह, अध्यक्ष हैं चल सहेली समूह की। बहुत बहुत स्वागत है अन्नपूर्णा जी। जी मैम। अन्नपूर्णा जी, एक सवाल, जब मैं आपके बारे में सुन रही थी, उन महिलाओं से आपकी बातें जब सुनी, तो दो सवाल। एक, ग्रामीण क्षेत्र की ये महिलाएं हैं, उनको बाहर निकालना घर से, ना सिर्फ बाहर निकालना, धागे बना रही है, सब्जियां बना रही है और क्रिकेट भी खेल रही, और दूसरा कि क्रिकेट खेल ही क्यों? जी अन्नपूर्णा जी, हेलो। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैम, बहुत कम साउंड आ रहा है आपका। अच्छा, लेकिन हम आपकी आवाज अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी बात को रखिए। जी मैम, पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जी नमस्ते। जी मैं चल सहेली संघ की महिला, सभी जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं, मैं उनके लिए खेल का आयोजन करती हूं मैम। इन चूल्हा चौका से निकल के मैं उनके लिए एक खुशहाली भरी जिंदगी देना चाहती हूं, उसके लिए मैंने ये सब खेल का आयोजन कराया। आपने मुझे लगान की याद दिला दी।
कि किस तरह से वहां पर जब एक टीम वर्क हमने दिखाई दिया था, हमने जब बड़े पर्दे पर देखा था और वही दृश्य हमें कुछ जब महिलाएं क्रिकेट खेल रही थी, वो महिलाएं जो कभी घर के अंदर बंद रहा करती थी, ना सिर्फ बाहर आई बल्कि क्रिकेट को भी अपना लिया, तो कैसा अनुभव? और शुरुआत में शायद मना करते होंगे कि क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे हम जी कैसा अनुभव था आपका? मैं उनके घर घर जा करके मैंने सबको समझाया और बहुत अच्छे से उनको समझाया। हाँ, उन्होंने मेरी बात को समझा और आज मेरे साथ वो खड़ी है और मेरा सहयोग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चूंकि हम महिला दिवस पखवाड़ा मना रहे हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हम जल्दी ही फिर से मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे और उस आपकी टीम से भी जरूर मिलना चाहेंगे। फिलहाल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ें और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएं, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और अगली कड़ी में अब हम चर्चा करते हैं शिवानी चौरसिया की। गोल्ड मेडलिस्ट है ये, नरसिंहपुर जिले की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पखवाड़े पर नारी तू है नारायणी में हम बात करें नरसिंहपुर की बेटी शिवानी चौरसिया के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 8 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। शिवानी ने शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया। कैसा रहा इनका ये सफर, सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। नरसिंहपुर से खबर भारत के लिए शिवानी चौरसिया से चर्चा की मनोज नौरिया ने। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे खास प्रोग्राम में नारी तू नारायणी है, हम मिलवाएंगे शिवानी चौरसिया से। शिवानी चौरसिया ने ना केवल एक बल्कि 8 गोल्ड मेडल जीते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम शिवानी से जानेंगे कि जो उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, नरसिंहपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। हम शिवानी जानेंगे कि शिवानी आज जो है आपको 8 गोल्ड मेडल मिले हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, क्या कहेंगे कि कितनी आपने मेहनत की? कॉलेज नरसिंहपुर से मैंने 2018 में अपना MSc मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है और इसके लिए जो दीक्षांत समारोह हुआ उसमें मुझे 8 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसलिए मैं और मेरे परिवार में बहुत खुशी है इस बात की, और मेरे कॉलेज का नाम मैंने रोशन किया इसके लिए मुझे ज़्यादा खुशी है। टॉपर्स निकलते हैं लेकिन इस साल अपने नरसिंहपुर जिले से निकला है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है सबको। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं। हम ये पूछेंगे कि आप मुकाम पर हैं, घर वालों को कितना सहयोग मिला आपको? घर से मुझे पूरा सपोर्ट रहा, मम्मी जी पापा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा पढ़ाई को लेके, कभी भी किसी तरीके का प्रेशर नहीं घर से, कुछ ऐसा नहीं कि आपको काम करना है या कुछ, तो कभी मुझे इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा पढ़ाई को लेके सपोर्ट है। मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी, क्लासेस लेती थी, क्योंकि बाकी जितनी मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो सब भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। अन्य जो युवा हैं या छात्रा हैं, महिला हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो भी जो है पढ़ाई के प्रति जो जागरूक हो? महिला दिवस के अवसर पर सभी लड़कियों को एक बात बोलना चाहूँगी कि अपनी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ये नहीं कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया और हो गया। कोशिश करें कि अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से, अच्छे प्रोफेसर्स के गाइडेंस में जो है अपने मास्टर्स को कंप्लीट करें और आगे एक अच्छे स्तर पर, अच्छे लेवल पर जॉब पाकर जो है अपने देश परिवार का नाम रोशन कर सकें। ये थी हमारे साथ शिवानी चौरसिया, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में एक नहीं 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो युवा हैं या जो महिला हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के प्रति जो है वो सकारात्मक रहे। बिल्कुल सही कहा, एक शिक्षित महिला ही दरअसल परिवार, प्रदेश और देश का विकास कर सकती है, उसमें योगदान दे सकती है। हम बात करते हैं शिवानी से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है शिवानी चौरसिया, नरसिंहपुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू सो मच। शिवानी, एक सवाल कि उच्च शिक्षा की आपने जोर दिया इस पर कि हर बेटी को, हर महिला को भी अब किसी भी उम्र से पढ़ाई शुरू की जा सकती है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, तो हायर एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है एक परिवार में बेटी के लिए खास तौर से, और उच्च शिक्षा से क्या फ़ायदे, करियर की कौन सी राहें आसान हो सकती हैं, ये आपके ही माध्यम से हम दर्शकों तक पहुँचा देते हैं इस बात को। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि यदि एक लड़का पढ़ेगा तो एक वंश बढ़ेगा, लेकिन यदि एक लड़की पढ़ लिख जाएगी और हायर एजुकेशन जैसे हम कह रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो उसके साथ कई पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल शिवानी, क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप? जी बस अभी मैं जो जिस फील्ड में कार्यरत उसी में आगे बढ़ना चाहती। बिल्कुल, क्या शिक्षा के क्षेत्र में एक
अच्छे मुकाम पे पहुंचकर अपने परिवार अपने जिले का नाम रोशन करना था। और करेंगे ही, क्योंकि 8 बार गोल्ड मेडल लेकर आना ये आसान काम नहीं था। आपकी मेहनत दिखाई देती है, हमको ही नहीं पूरी दुनिया को। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस महिला दिवस पर। इसी तरह के सशक्तिकरण की जरूरत है, दरअसल इसी तरह के उदाहरण की जरूरत है। आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर ही, जो इस समय दर्शक देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, वो प्रेरणा लेकर शायद उनको समझ में आएगा कि अगर पढ़ा जाए, अगर आगे बढ़ा जाए, तो शायद जो हम करना चाहते हैं, जो फैसले लेना चाहते हैं, उसमें हमें सबकी सहमति भी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शिवानी। और चलिए अब बात करते हैं रतलाम शहर की, जहां ये नाम कोई नया नहीं, चिर परिचित है ये नाम। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी की, जिन्हें रतलाम की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। इनके कार्यों की सराहना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा ने भी की है। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित होने के कारण कई माताओं की अकाल मौत हो जाती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए वे प्रयास करेंगी, और ये प्रयास आज तक सतत जारी है। आपने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसे लेकर इन्हें कई संस्थाओं के सहित शासन से सम्मान मिल चुका है। इनमें खास है रेलवे मंत्रालय द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल, प्रेस्टीज डिस्ट्रीब्यूशनल कम्युनिटी सर्विसेज अवार्ड, 2014 में वुमन प्राइड अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय फेडरलियन स्पेशल अवार्ड, बेस्ट क्लिजियन अवार्ड एंड ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, 2019 में द प्राइड ऑफ फोक्सी अवार्ड, और हाल ही में मिला माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 8 नवंबर 2021 को पद्मश्री। पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी से खबर भारत से रतलाम संवाददाता यशवंत सिंह राठौर ने की खास बातचीत। विशेष प्रोग्राम नारी तू नारायणी में है। आज हम बात करेंगे रतलाम की जानी मानी डॉक्टर लीला जोशी जी से, जिन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप शेयर करिए। आपको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। सुश्री लीला जोशी, कैसा पल था वह, और आपको क्या प्रेरणा मिली जब आपने एक प्रोग्राम भी चलाया था विशेष महिलाओं के ऊपर एनीमिया को लेकर? प्रोग्राम तो अभी भी है, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग वाली बात है। जब तक हमारा पूरा भारत एनीमिया फ्री नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोग्राम किसी न किसी रूप में तो चलना ही है। तो ये प्रोग्राम तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि बीच में ये 2-2.5 साल कोविड के कारण सभी तरह के प्रोग्राम में बहुत स्लगिशनेस आई, और वही हमारे इस प्रोग्राम में भी आई है। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली थी यार? प्रेरणा तो देखिए, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और बहुत ऐसे केसेस मैंने पूरे अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखे कि जबकि हम चाहते हुए भी मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि एनीमिया बहुत सीवियर होता है, और साथ में अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो, जैसा ब्लीडिंग वगैरह हो गर्भवती माताओं में, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाती थी। ये मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ जबकि रिसोर्सेज बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड कम थी, ब्लड बैंक्स बहुत कम थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और कई वक्त हमको अपनी बिल्कुल हेल्पलेस एटीट्यूड महसूस होता था कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो तभी से मन में तो था कि ऐसा कुछ करने का है जिससे हम इन गर्भवती माताओं को, और ये एक सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, तो ये प्रिवेंटेबल है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं इसको प्रिवेंट। खून की कमी की वजह से एनीमिया होता है, और जिसकी जो खामियाजा है वो गर्भवतियों को भुगतना पड़ता है, शायद इसीलिए डॉक्टर लीला जोशी, पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी ने ये अभियान चलाया। उनसे सीधे बात करते हैं, हमारी खुशनसीबी कि वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। डॉक्टर लीला जोशी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। लीला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर लीला जोशी हमारे साथ, हम जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वे बता रही थी कि एक बड़ी कहना चाहिए बीमारी है एनीमिया की,
कमी की वजह से हर साल गर्भवती अगर महिलाओं की बात करें एक बड़ा जो प्रतिशत होता है मृत्यु का, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि इस पर भी विजय हासिल करनी, और ये भारत की रीति नीति रही है कि जब भी हम इस तरह के किसी भी अभियान, एक बड़े अभियान की हम चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ दो बूंद जिंदगी की, जी हाँ पोलियो अभियान की बात कर रहे हैं, हमने उस पर भी विजय अर्जित किया, हम लगातार इस अभियान पर काम कर रहे हैं, हमने कई बड़े अभियानों पर काम करते हुए ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। ऐसी श्रेणी में अगर हम एनीमिया की बात करना चाहें जिसकी कमी की वजह से हर साल गर्भवती महिलाएं जो है काल के गाल में समा जाती हैं, शायद इसी बात के मद्देनजर गायनेकोलॉजिस्ट रही हैं ये डॉक्टर लीला, और हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से इन्होंने सफर शुरू किया और आगे बढ़ाया। डॉक्टर लीला जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर, मैम बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लीला मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारा इस बार उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हम एक विशेष प्रोग्राम इनके साथ ज़रूर बनाना चाहेंगे। फिलहाल समय को हम रोक नहीं सकते, आगे बढ़ना होगा हमें, और इसी को आगे बढ़ते हुए, इस सफर को आगे बढ़ाते हुए श्वेता जुनेजा अगली शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सतना की। महिला कई किरदारों को एक साथ निभाती है, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, आदर्श गृहिणी के रूप में एक श्रेष्ठ समाज का सृजन करती है। नारी के इसी गुण को चरितार्थ करते हुए हम मिलेंगे एक ऐसी महिला शख्सियत से जिसने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव के बाद महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रूप में समाज को एक नया स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं सतना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्वेता जुनेजा की, जो आज की सशक्त नारी का जीता जागता उदाहरण है। घर, ऑफिस और सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए समाज में बेमिसाल उदाहरण बन गई। सतना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्वेता जुनेजा के साथ खबर भारत के लिए संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह ने की खास बातचीत। मैम, नारी तू नारायणी है, समाज में नारियां इस कहावत को चरितार्थ कर रही, उन महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज सफल और सफल होना चाहती हैं? मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपना आत्मविश्वास जगाए रखें। विल पावर वो चीज होती है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास के हालात खराब भी हो, कोई हमें अगर दबाने की कोशिश भी करे, तो भी हमें अपने हौसले से आगे बढ़ना है। जिसको कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पर कट भी जाए तो क्या, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला नारी में होना बहुत जरूरी है। यदि उसने ठान लिया है कुछ करने की, जब नारी एक अच्छी सकुशल गृहिणी हो सकती है जो पूरे परिवार को मैनेज करती है, अपने यदि कोई सफल पुरुष है तो उसके पीछे एक नारी है, तो नारी खुद उस सफलता का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? ये चीज यदि नारी सोचे कि वो यदि एक सफल पुरुष के पीछे हो सकती है, तो वो आगे रहकर उस पुरुष के साथ भी खड़ी हो सकती है। और चलिए अब हम अगली शख्सियत की तरफ बढ़ेंगे जिनका नाम है काजल। इनके बारे में आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे इनकी बातों को तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये ट्रक जेसीबी डंपर ड्राइवर है, दुर्ग से खबर भारत के लिए बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है, आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, म्हारी छोरियां छोरों से कम है के कुछ याद आया? फिल्म दंगल का ये डायलॉग महिला की शक्ति, लड़कों से उसकी बराबरी को बयां करता है। इसके मुख्य किरदार महावीर सिंह का नाम तो सुना होगा, बेटियों के भविष्य को गढ़ने वाले एक पिता को देखा होगा। समाज की सच्चाई और विडंबना है कि आज भी बेटे को ही बेटी से ज्यादा सक्षम और मजबूत माना जाता है। समाज की इस सोच को महावीर फोगट और उनकी बेटियों ने अपने दम पर बदल कर रख दिया। हम ऐसे ही एक और पिता और उनकी बेटियों का जिक्र कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में रहती हैं। सात बेटियों के पिता ट्रक ड्राइवर हैं। इनकी बेटी काजल ने पिता के काम में सहयोग किया। काजल ट्रक से लेकर जेसीबी डंपर जैसे भारी वाहनों को चलाकर पिता के काम में हाथ बटा रही हैं। 12 साल की थी जब काजल ने ट्रक चलाना सीखना शुरू कर दिया था। खबर भारत के लिए भगत सिंह परिहार ने काजल से की खास मुलाकात। मैं अभी ट्रैक्टर, जो वैन है और बाइक, ये सब चला लेती हूँ और काफी अच्छा फील होता है। मेरी बड़ी बहन है जो इस तरह की गाड़ी चलाती है और मैं उसकी छोटी बहन हूँ। गर्व महसूस होता है और समाज को भी एक संदेश मिलता है कि इनके यहाँ सात लड़कियां हैं और एक भी लड़का नहीं है, और सातों बहनें मिलके हर काम को, हर हार्ड वर्क को इजी करके दिखाती हूँ। तो अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा है।
वाहन चलाते देख और लोग की नजरें बहुत गंदी होती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये लोगों की सोच है भाई, इनको लगता है कि लड़कों के साथ रहती है, नाइट आउट करती है, बट एक्चुअली आप खुद करके देखो ना, बोलना बहुत इजी है, करने जो हार्डली लगता है ना वो आप खुद करके तो रियलाइज होगा कि यार सच में कितनी मेहनत है उस काम में। तीन दिन चार रात हम सोते नहीं है, खाली पेट बिना खाए पिए काम करना कंटिन्यू, तो वो और अचानक गाड़ी कहीं बिगड़ गई तो उसको रात में ही बनाओ, वही प्रिपेयर करो, तो वो देखना और करने में बहुत डिफरेंट है। महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा या लड़के का काम अलग है लड़कियों का काम अलग है ये नहीं होता है, सब काम बराबर होता है, बस करने की लगन होनी चाहिए। और मैं तो इस फील्ड में अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली की पोजीशन को देख के कुछ परेशानी थी कि हमारे यहाँ क्योंकि कोई लड़का नहीं है, हम सात बहने बहने हैं, इस वजह से मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ। और मेरे को इस फील्ड से इंटरेस्ट भी था, स्टार्टिंग से देखते आ रही हूँ, बचपन से ही पापा जी को हमेशा गाड़ियों का काम करती हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में और आगे जाना चाहती हूँ। हमारे साथ काजल जुड़ चुकी है फोन लाइन पर, हम चर्चा करेंगे क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इम्प्रेस हूँ इनसे। स्वागत करते हैं काजल, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, बहुत सारी शुभकामनाएं काजल और महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही सवाल रखती हूँ सीधे। थैंक यू मैम। काजल कैसे लगा कि मतलब जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि ये काम सिर्फ एक पुरुष कर सकता है, बेटा कर सकता है, तो और जब आपने स्टेयरिंग को संभाला ट्रक के या जेसीबी के या डंपर के, तो कैसा महसूस हुआ था पहली टाइम, फर्स्ट अनुभव? उस टाइम तो मैं जब मतलब चलाई थी मैं तो काफी अच्छा महसूस हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था अब मशीन चलाना तो मैं दुनिया की सारी गाड़ी चला लूंगी, मैं सीखूंगी, बहुत अच्छा लगता था मतलब। हाँ हाँ, मतलब ये है आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। बिल्कुल काजल, मतलब ये है कि जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, शारीरिक रूप से शायद बोला जाता है लड़कियों के लिए कि लड़कियां कोमल हैं नॉल, जो भी बातें कही जाती है समाज में, जो भी व्याप्त है बातें, जिन्हें आप जैसी बेटियां जो है वो तोड़ रही हैं इन बंधनों को और इन विचारों को भी, तो ये गलत है, मतलब अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक बात और सुनी है काजल कि आपके पिता को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि बेटी को, जिस तरह से मैंने दंगल का एक उदाहरण देके इस खबर को लोगों दर्शकों तक पहुंचाया, तो आपके परिवार को भी सुनना पड़ा था कि कैसे माता पिता हो बच्ची से ट्रक चलवाते हो। हाँ जी, ये बात एकदम सही है, और कई बार जैसे गाड़ी लाइन है इसमें कभी कभी होती है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी, हाँ तो जैसे यही काम अगर ड्राइवर से हो जाए, किसी मर्द से गलती हो जाए तो उसको उतना ज्यादा नहीं दिखाया जाता है, इतना ज्यादा उसको नहीं बोला जाता, लेकिन यही गलती अगर लड़की से हो जाए तो पूरी दुनिया सुनाती है, बोलती है कैसे माँ बाप है, ड्राइवर नहीं रख सकते हैं, लड़की से काम करवा रहे, ये सब सुनाते हैं। बिल्कुल, तो ये सब बातें मेरे को बुरी लगती है, पसंद नहीं आती ये बातें, कई बार मेरी गलती की वजह से एक दो बार मेरे मम्मी पापा को सुनना पड़ा है ये, इस वजह से मैं जानती हूँ कितना बुरा लगता है जब समाज ऐसे सवाल उठाती है, ऐसा बोलती है। तो माता पिता क्या जवाब देते हैं? को इसमें मतलब सोच बदलनी चाहिए लोगों को अपनी। बिल्कुल सही कहा, जरूरी नहीं है कि लड़का है तो वही कर सकता है, और गलती सिर्फ लड़कियों से ही होती है ये भी जरूरी नहीं है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। बिल्कुल सही बात है। माता पिता का क्या जवाब होता है? मम्मी पापा मेरे शुरू से ही मैंने देखा है उन्होंने बहुत सहा है मेरे लिए, जब लोग बोला करते थे तो उन्होंने इन सब बात को इग्नोर किया, वो बोलते हैं कि पहले मेरी बेटी है, मेरी बेटी की इच्छाएं हैं, और जब मेरी बेटी करना चाहती है कुछ, किसी लाइन में आगे बढ़ना चाहती है, तो मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। बिल्कुल सही बात है, अगर माता पिता तैयार हैं अपनी बेटी को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, तो दुनिया ये वही दुनिया है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी ताने देगी, और जब आप बहुत कुछ कर रहे होंगे तो तारीफें भी देगी। काजल, इस खबर भारत के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस के विशेष रूप पर? एक तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और मेरा नाम काजल खारी गुर्जर है, मैं चाहती हूं सभी महिलाएं अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े, और कोई भी काम छोटा बड़ा या काम लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग ऐसा नहीं होता है, जानते हैं आप लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तो लड़कियां भी लड़कों का काम कर सकती हैं जैसे लड़के लड़कियों का काम करता है।
बिल्कुल, मतलब काम काम होता है, उसे जेंडर से उसे डिवाइड नहीं किया जाना, करने होना चाहिए काम। तो उस फील्ड में ऑब्वियसली उनको मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उनको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ सब महिलाएं अपने मन की करें और हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके बारे में और कुछ बोलने के लिए। नहीं नहीं काजल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए कम समय में भी। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सातों जो बहनें हैं, आपको मिलाकर सात बहनें हैं, तो आप सातों के साथ मतलब क्या करते होंगे, मतलब छक्के चौके जिसको हम बोलते हैं ना, हमने अभी क्रिकेट का एक उदाहरण देके समझाया था, कुछ महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं और आप सड़कों पर चौके छक्के मारती होंगी। हाँ, और अब तो मेरे पापा जी भी बोलते हैं वही दंगल फिल्म वाली बात है, क्या मेरी बेटियां बेटों से कम कम है के। मेरी मम्मी भी बोलती है, मेरे पापा जी भी बोलते हैं, और इस फील्ड में मम्मी ने भी देखा है, पापा जी ने भी देखा है, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सहा है, उन्होंने भी सहा है, हमने भी सहा है, इस लाइन में बहुत हार्ड वर्क है। बिल्कुल, तो लड़कियां देखती हैं ना, जब लड़के भी देखते हैं तो नहीं करना चाहते, छोड़ देते हैं इस काम, लेकिन आप कर रही हैं। जी, मैं अपने पापा का काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ बस। बिल्कुल, और बढ़ाएंगी ही, ऐसी शुभकामनाएं हैं हम लोगों की आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया खबर बारह से जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, नैनपुर की तरफ चलते हैं और एक समाज सेविका जिनका नाम है वंदना टेकाम। जी हाँ, नैनपुर की एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को अपने घर तक पहुंचाया, खेतों में गांव गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, मास्क वितरण कर उन्हें जागरूक किया, ऐसी कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर लोगों की मदद कर रही हैं। समाज सेविका वंदना टेकाम से खास बातचीत की खबर भारत के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी ने। आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किया? जी, सबसे पहले मैंने मास्क वितरण का कार्य शुरू किया, उसके बाद जरूरतमंदों तक मैंने भोजन राशन पहुँचाया, उसके बाद मैंने झारखंड से जो मजदूर फंसे हुए थे नैनपुर ब्लॉक में, तो उनको मैंने घर तक पहुंचाया। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज महिला दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही हैं दुष्कर्म की बच्चियों के साथ पे, महिलाओं के साथ पे, तो आप प्रशासन से, सरकार से क्या चाहेंगे, उसके लिए क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से, महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए? महिलाएं वहीं पर असुरक्षित हैं अभी भी, जहां पर जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी है, तो सरकार जो है, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, हम देख रहे हैं इतनी सारी योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र से लेकर है, आज हम देख रहे हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये भी जागरूकता के क्षेत्र में ये भी जो है अपना काम कर रही हैं, घर घर जागरूकता फैला रही हैं, उसके बावजूद भी हम अभी भी देख रहे हैं ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, जहाँ पर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, जो स्वयं अपना कार्य कर पा रही हैं और जागरूक हैं, तो वहाँ पर ये इन सब चीज़ों की कमी देखी जा रही है, तो हमें प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और यही चाहेंगे कि गांव में, ज़्यादातर गांव में है, तो हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और सामाजिक संगठन है जो हमारे क्षेत्र में, जो पिछड़े क्षेत्रों में जो सामाजिक संगठन है और जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका जो है दायित्व बनता है कि वो आगे आकर ये सब काम करें, तो और बेहतर तरीके से हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं वंदना टेकाम, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की, जिस तरह से आप निरंतर अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ये वाकई सराहनीय है। एक पहला सवाल मैं ये कर लेती हूँ कि कोरोना काल का हमने जिक्र किया, उस समय आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, 2 साल लगातार आप लोगों की मदद के लिए धरातल पर रही, यानी कि आपने बिना दाएं बाएं देखे, बिना अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर आप उन जगहों पर भी पहुंची जहां पर शायद मुश्किल था पहुंचना, अपने अनुभव के बारे में बताइए। जी, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय क्या है कि सिर्फ ये देखा जा रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और चूंकि मैं सोशल फील्ड पे हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे, मैं घर पे थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, न्यूज में बार बार देख रहे थे हम कि कितनी परिस्थितियाँ खराब है, तो मुझे लगा मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ, तो सबसे पहले मैंने मास्क वितरण शुरू किया। तो मास्क वितरण के साथ गांव में
गांव जाती थी तो वहाँ ये भी देखने को मिला कि वहाँ भोजन व्यवस्थाएं ठीक नहीं, मतलब जरूरतमंद लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा, राशन मैंने राशन बांटना शुरू किया। फिर इसी के चलते फिर मैंने आगे देखा कि कुछ मजदूर फंसे हुए हैं बाहर के लिए हमारे यहाँ झारखंड के गाँव में, तो संपर्क हुआ तो फिर मुझे लगा कि एक तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो इसमें क्या काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा मुझे, क्योंकि ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही थी। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और अपने कार्यों को अंजाम दिया। और लेकिन बोलते ना कि अगर जज्बा हो किसी की मदद करने का तो शायद बाधाएं आपको परेशान नहीं कर सकती। उसका उदाहरण आप है कि आपने किस तरह से लोगों की मदद की और उस क्रम को जारी रखा और अभी भी जारी रखा हुआ है। भले ही कोरोना काल से अब हम नहीं जूझ रहे हैं, अब स्थितियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन मदद का ये सिलसिला आप हमेशा जारी रखेंगे, ये आपका मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात इंदौर की, इंदौर में एक महिला थाना प्रभारी की। आज महिलाओं ने उन क्षेत्रों में भी अपना मजबूत दबदबा बनाया है जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है प्रशासनिक विभाग। इस विभाग में इंदौर में महिला थाना प्रभारी का कार्यभार संभाल रही ज्योति शर्मा अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। ना सिर्फ विभाग में बल्कि जनता के बीच में भी इनकी छवि अलग है। बदमाशों में इनका खौफ उनकी कार्यशैली को बयां करता है। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने की बात कहने वाली ज्योति ने महिलाओं को पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया। महिला स्वतंत्रता पर महिलाओं की बात बेबाकी से रखने वाली ज्योति से खास बातचीत की इंदौर ब्यूरो हेड जहीन खान ने। आपको बता दें महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा जी है, काफी कर्मठ अधिकारियों में उनका नाम आता है। बात की जाए तो महिला अपराध को रोकने के लिए उन्होंने काफी जो है प्रयास किए, और प्रयास नहीं काफी महिलाओं के ऐसी काउंसलिंग भी कराई जिससे एक नहीं मैं बोल सकता हूँ कम से हजारों घर इन्होंने बसाए हैं। बात की जाए इनके जो नेचर की काम करने की जो ऊर्जावान तरीका है उससे वो काम करते हैं। महिला दिवस के अवसर पर खबर भारत चैनल जो है उनका सम्मान करता है, उसी के माध्यम से उनसे जानना चाहेंगे कि महिला दिवस के अवसर पर वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं तो सभी से ये कहना चाहती हूँ कोई एक दिन में हमें ना बांधे। इस 365 दिन, एक साल में अगर 365 दिन होते हैं तो 365 दिन के प्रत्येक दिन के 24 घंटे हर पल हर क्षण हमारा है, और बस हमें किसी एक दिन में बंधकर नहीं रहना है, यही कहना चाहती हूँ। और महिलाओं को क्या आज महिला दिवस के अवसर पर जैसे जो महिलाएं रूढ़िवादी प्रथाएं भी चली आई हैं, कहीं महिलाएं अशिक्षित रहती है, कहीं आपके पास आती हैं अपनी पीड़ा लेकर, इस तरीके की महिलाओं को चैनल के माध्यम से आज क्या महिला दिवस पर संदेश देना चाहिए? देखिए अब तो मुझे लगता है लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और एक शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, और जब भी कोई महिला आती है तो मैं सबसे पहले उसकी बात को सुनती करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसे किसी भी तरह से कानूनी मदद दे सकूँ, और यदि उसके अलावा उसे कोई रोज़गार की ज़रूरत है, कुछ उसके पास काम नहीं है, वो अपना भरण पोषण कैसे करे, परिवार को कैसे पाले, बच्चों को कैसे देखे, उसके लिए भी हम लोगों ने माँ एरिया स्वावलंबन डेस्क बनाया हुआ है। उसके तहत हम कानूनी मदद के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी एक प्रयास महिला थाना इंदौर के माध्यम से हमारे कमिश्नर सर श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर और हमारी ADCP मैडम मनीषा पाठक सोनी मैडम के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक कोशिश है हमारी। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि विपरीत परिस्थितियों में कभी आप भी आ जाएं तो आप अपना धैर्य बनाए रखें, तभी आप उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ में महिला थाना प्रभारी महोदय जो अपनी बेबाक बात कहते नजर आए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ संवाददाता जहीन, खबर भारत इंदौर। चलिए अब बात करते हैं ज्योति शर्मा से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं महिला थाना प्रभारी इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति मैम आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की, आपको बहुत सारी बधाइयां। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। ज्योति मैम एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि हम महिला अपराधों की हर बार बात करते हैं और भोपाल इंदौर का नाम जब भी मध्य प्रदेश के अपराधों की गिनती में लिया जाता है तो उनका नाम पहले ऊपर की श्रेणी में आता है। खत्म तो नहीं हो सकते अपराध, लेकिन कम किए जा सकते हैं, तो उसे कम करने के लिए आप बतौर महिला थाना प्रभारी किस तरह की पहल करती है और किस तरह के अभियान चलाकर लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर रही है ताकि वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, जो हमेशा कहते हैं।
देखिए, हम लोग समय समय पर महिला थाने के अंतर्गत, अब तो कमिश्नर प्रणाली हो गई है, कमिश्नरेट इंदौर के अंतर्गत हम लोग समय समय पर महिलाओं और बच्चियों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। हम स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक छोटे छोटे सेशन लेते हैं, उनको बहुत माइनर जो बच्चे हैं उनके लिए गुड टच बड टच हम बताते हैं। हमारी टीम ये सब काम करती है और कई बार मैं खुद भी जाती हूँ, कॉलेज में भी हम लोग इन सब चीजों को करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यदि इस तरह का अगर कोई क्राइम अगर हुआ है तो कौन सी एजेंसी में आपको कंप्लेन करनी है, किस तरह से अपने आपको सेव करना है, किस तरह से विपरीत परिस्थिति में यदि आप आ जाएं तो आपको 100112 या किसे आपको कॉल करना है, और किस तरह से पुलिस आपकी सहायता के लिए विद इन मिनट्स पहुंच पाएगी। ये सारी चीजें हम उन्हें बताते हैं, हेल्पलाइन के बारे में अवगत कराते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं समय समय पर। कैसा फील करती है एक महिला थाना प्रभारी होने के नाते और परिवार में एक ऐसी महिला का स्थान जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है, जिसका खौफ बाहर तो चलता है, क्या घर पर भी चलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ ये है कि मैं और मेरी हस्बैंड दोनों ही सेम बैच के हैं और दोनों ही इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी हैं और मैं महिला थाना प्रभारी हूँ। तो मेरे पड़ोस में ही मेरे हस्बैंड कमलेश शर्मा जो हैं वो भी TI हैं इंदौर में। तो और एक बिटिया है, काफी अच्छे से मैनेज होता है, क्योंकि सेम जॉब में है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसे आपस में बात करके कई बार सॉल्व भी करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी, एक सवाल मेरा निकल आया, जैसे ही आपने कहा ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, क्या एक महिला पुलिस का विवाह दूसरे प्रोफेशन के व्यक्ति से होना संभव होता, क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और पुलिस की शादी पुलिस विभाग में किसी शख्स से, या ये नीति को तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा है कि एक महिला पुलिस को समझ सकता है दूसरा परिवार? नहीं, ऐसा होता भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेम प्रोफेशन में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि देखिए पुलिस का जो नौकरी है वो 24 घंटे की है। आपको शाम को जाना है, चेकिंग होती है, रात में नाइट गश्त होती है, प्रभात गश्त होती है, कई तरह की चीजें रहती है, क्योंकि जो कंप्लेन्स हैं वो तो दिन और रात को कोई समय देखती नहीं है ना, वो तो आती ही रहती हैं। तो ऐसे समय में जब आम व्यक्ति है वो अगर पुलिस के अलावा या किसी और जॉब में है, तो वो जब शाम को 6 बजे 7 बजे वो घर आएगा, तब हम लोग घर से जाएंगे, तो वो एक थोड़ा सा मतलब एक ये कहेंगे कि मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन अगर चाहें तो उसे भी आपस में बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेम प्रोफेशन ज्यादा कंफर्टेबिलिटी देता है हमें। चलिए, तो जो इस वक्त हमारी नव युवतियां इस कार्यक्रम को देख रही होंगी वो आपकी बात को और आपके इशारे को समझ चुकी है कि अगर उन्हें पुलिस विभाग में जाना है तो कोशिश ये की जाए कि सेम विभाग में ही वर को चुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ज्योति शर्मा इंदौर से। और अब जाने से पहले खूबसूरत पंक्तियों से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नारी तू नारायणी, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे यानी क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।